हो सकता है आपका बीटेक के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही है, बट आपका सपना था कभी 12 लाख का पैकेज। वेल, इस वीडियो का मकसद है दो तरह के बंदों को गाइड करना। पहला, जो भी बीटेक नवा नवा गए हैं, एक दो साल हुआ है। दूसरा, जो बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोनों का ही गाइडेंस, दोनों को गाइडेंस मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनना मेरे बातों को, सुन के हो सकता है थोड़ा ख़राब लगे, हो सकता है आप थोड़ा डिमोटिवेट फील करोगे, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, बिकॉज उन बेचारों को पता नहीं है। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देख के बहुत चीज़ें होता है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, बट आप सुनना पूरी बात। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन जरूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे बहुत सारे अपडेट्स और फ्री वीडियोज़ बहुत सारी चीज़ मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी इसका। सो आफ्टर बीटेक जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो सबसे पहले मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने जब जैसे ही मैंने अपना बीटेक का लास्ट पेपर दिया, मेरे पास धड़ाधड़ से सबका फ़ोन आया। इवन उन पेरेंट्स का भी आया जो जिनके बच्चों ने बताया था कि हमारा तो प्लेसमेंट हो गया है। हालांकि वो झूठ था, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था, बट बता दिया। बट झूठ कितने दिन टिकेगा, वो भटकते रहे। फिर तो मैंने जस्ट पेपर दिया, तो सच बताऊँ तो जितने भी कंपनीज हमारे कॉलेज वालों ने बुलाया था, ऑलमोस्ट सारे फेक कंपनीज थे, कॉल सेंटर थे, तो उनमें मेरे को जाना नहीं था। सिंपल सी बात है। तो प्लेसमेंट होना नहीं होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से पहला सीख, किसी भी एरा गैरा नथू खैरा कंपनी में मत जाइए। किसी भी जॉब नहीं मिल रहा है मतलब किसी भी उटपटांग फील्ड में मत जाइए, अंटिल अनलेस बहुत डैम नेसेसरी है। भाई खाना ही का जुगाड़ नहीं है तब तो जाना ही पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो कुछ भी करना पड़ता है। पता लगा हमें कुछ ठेला लगा के बेचना पड़ रहा है सब्जी, पॉसिबल है। हालांकि वो मेरे को वो चीज़ का हैबिट है, मैं छोटे में कर चुका हूँ। इस पर भी बड़ा अमेजिंग आपको स्टोरी है बताऊँगा मैं आपको, मज़ा आएगा कैसे थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए ताकि आप आगे लाइफ में बढ़ें। तो यहाँ पर क्या है, मेरा जॉब नहीं लगा था, धड़ल्ले से मेरे पास फ़ोन आया सबका, घरवालों का भी। और घरवालों क्या है, घरवाले सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं, बट कितना दिन सपोर्ट करेंगे, कितना टाइम सपोर्ट करेंगे, उनका भी एक सपना होता है कि मेरा बेटा का नौकरी लगेगा। तो बताऊँ मेरा 15 दिन जीना हराम हो गया था फ़ोन उठा उठा के। अब मेरे घर में पैसे भी नहीं था कि मैं बाहर रह सकूं, खाने पीने का जुगाड़ भी नहीं पॉसिबल था एक दो महीना के ज़्यादा। पापा ने बोला भाई 10,000 तेरे अकाउंट में है, वही पैसा है हमारे पास, और पैसा नहीं है, तो देख ले, अपना सामान उठा घर आ जा। मैंने फिर दो चीज़ें देखा, हालांकि ये मेरा जो प्रॉब्लम था बहुत कम दिन का था, 10-15 दिन का, तो ऐसा मैं अपने को लकी मानता हूँ, बिकॉज ऐसा सिचुएशन बहुत सारे कम बच्चों का होगा कि 10-15 में नौकरी लग गया। रीज़न आपको बता देता हूँ, बिकॉज मेरे को कंपनीज में जाना नहीं था, मैं एक डिफेंस सेक्टर में कंपनी ट्रेनिंग किया था, तो मुझे पता लग गया था कंपनी कंपनी में मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँगा, या फिर मेरे को इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, मेरे को पता लग गया था। और मैंने PPT GD इनमें काफ़ी अच्छा करा, मैंने देखा टीचिंग बढ़िया फील्ड है, मैंने कुछ सीखा है, 6 बार ब्रांच टॉप किया है, कॉलेज टॉप किया है, और बीइंग बिलो एवरेज स्टूडेंट आई हैड डन दोज थिंग्स, दैट मीन्स एट द टाइम आई रियलाइज आई हैव समथिंग टू शेयर विद द स्टूडेंट्स, विद द अपकमिंग स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो चेंज देयर फॉर्चून, सो दैट दे कैन चेंज द वे दे स्टडी, सो दैट दे कैन हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, नॉट ओनली इन इंग्लिश, सो दैट दे विल हैव गुड कंट्रोल ऑन देयर टंग, ओवर द टंग, एज वेल एज द थॉट प्रोसेस एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन से दैट। सो मैंने फिर क्या करा, पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं इंटरव्यूज देना शुरू किया। घरवाले बोले हुआ क्या, डेली बोलते हैं हुआ क्या, तब सारे रिश्तेदार, नाम नहीं बताऊंगा, फोन करते थे क्या हुआ भाई तेरा। और एक प्रॉब्लम था, बहुत सारे रिश्तेदार का ये प्रॉब्लम होता है, आप भी शायद फेस करते होंगे, जैसे मान लो क्या ना, आपके फैमिली सबसे ज़्यादा लोअर लेवल पर है मान लो बाकी रिश्तेदारों में, तो क्या होगा, आप अच्छा पढ़ाई करो, सबका टारगेट आप ही होते हो, फिर बाद में पता लगता है सब चीज़ें कि भाई ये बच्चा पढ़ लेगा मतलब ये ऊपर चले जाएंगे, मतलब क्या है ये हमारे लेवल पर आ जाएंगे। तो कोई भी ना अपना पोजीशन गवाना नहीं चाहता है फाइनेंशियल स्टेटस का। और अभी आपको बताऊँ एक सच बात, हालांकि मेरे वीडियोस बहुत से लोग देखते हैं, अभी बताऊँ वो जो सोचते हैं मैं जो करता हूँ उनसे 5 गुना ज़्यादा करता हूँ, ये सब कम से कम 5 गुना, बोलता तो नहीं कैसे पता लगेगा, बोलता तो नहीं ना, समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। सो वो टाइम था, अब टाइम कुछ अलग चेंज हो चुका है, टाइम 8 साल पहले ही चेंज हो गया था, 2016 में ही चेंज कर दिया था मैंने टाइम को, मतलब मेरा टाइम को,
आप सबका टाइम चेंज नहीं कर सकते, खुद का टाइम चेंज कर सकते हो, दैट यू कैन डू, राइट। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिया, जॉब लगा, मैंने बताया नहीं, किसी को भी नहीं बताया जॉब लग गया, ज्वाइनिंग करने के बाद बताया था। और एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह जॉब लगा था, खाली एक जगह नहीं। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास 4-5 खाली कॉल लेटर्स थे, मतलब ज्वाइनिंग लेटर्स जिसको मैं बोलता हूँ कि आपका ज्वाइनिंग है आ जाओ, 4-5 थे। और बाकी मुँह जबानी मेरे पास 6-7 थे, बिकॉज मेरे को प्रोसेस पता था कैसे जॉब लेना टीचिंग फील्ड में। फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। मैंने राजस्थान में पढ़ाया, हरियाणा में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया, NCERT रीजन में पढ़ाया, ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाया है, कॉन्टेंट दिया है। तो फिर आगे, फिर मैंने अब किसी के साथ फुल टाइम पार्ट टाइम कुछ भी काम नहीं करता हूँ, खुद का काम करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया करते हुए। ऑनलाइन भी नहीं काम करता किसी के साथ अभी, ठीक है, बिकॉज वो फालतू का क्या करते हैं ना, जैसे एक कंपनी मेरे को ऑफ़र दिया था, बहुत अच्छा ऑफ़र था, मतलब बताऊँ 70 लाख का लगभग ऑफ़र था, 72 लाख का टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो पढ़ाना था, बट टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे देते हैं फिर आप ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरे को मैंने मना कर दिया था, फिर ज्वाइन नहीं किया था। वो मेरे पास सबसे अच्छा लास्ट ऑफ़र आया था 1-2 साल पहले, उसके बाद आता है ऑफ़र, बट वो उतने अच्छे ऑफ़र नहीं होते हैं जो ऑफ़र हाइस्ट पैकेज आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वो काफ़ी शानदार ऑफ़र था, काफ़ी लोगों का नियत ख़राब हो सकता था, लेकिन मैंने फिर अब तक ना मैं समझ गया था लाइफ का फंडा क्या है, जो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ अभी इस सेशन में। सो सबसे पहले आपको ये वाला प्रॉब्लम है ना, मिल नहीं रहा है जॉब, तो क्या करें? सबसे पहले आप घबराए नहीं ये फेमस डायलॉग है ना सबसे पहले भाई आप क्या करिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए, बिकॉज आपके पास मौका है, किस चीज़ का टाइम है आपके पास, आपके लाइफ को चेंज करने के लिए टाइम है। मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? टाइम है मतलब है इस चीज़ का कि जो बंदे अभी आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, आपके पास हमेशा मौका होगा उन्हीं बंदों से आपके तारीफ करवाने का। आप कुछ नहीं बोले, खुद तारीफ करेंगे, क्योंकि ऐसे बंदों के पास ना टाइम होता है ना ये कुछ काम करते हैं, ये सिर्फ सिर्फ या तो किसी के बारे में बढ़ियाई कर देंगे, किसी के बारे में बुराई कर देंगे, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो सिचुएशन किसी का भी खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो आप बेस्ड ऑन द सिचुएशन एक्ट करना बंद कर दीजिए। आपका सिचुएशन मेजोरिटी टाइम, एवरेज टाइम में अच्छा हो उसके लिए एक्ट करना शुरू करिए, मतलब काम करना शुरू करिए। वेल, एक सच है, Tier 3 कॉलेज के बच्चों को 12 लाख का पैकेज मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी बात है। मतलब अगर 500 बच्चों में एक बच्चे का मिल गया या 500 में 2-4 को मिल गया, वो काफ़ी बड़ी बात होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जो बहुत सारे YouTube में देखते हैं 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ रुपये कैसे कमाएं, भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सब बात है। इंडिया में एवरेज सैलरी फिलहाल है 5 लाख, तो 5 लाख से मैं कितना बोल रहा हूँ, 12 LPA, मतलब कितना परसेंट ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, 140% ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे IT फील्ड जो है ना, आप लोग हॉट बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, तो IT फील्ड में बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो 10 साल से काम कर रहे हैं, इनका 10 लाख पैकेज नहीं है, बहुत सारे जानता हूँ मैं। 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, अभी भी अच्छे सर्विस कंपनी में काम करते हैं, बट 10 लाख का पैकेज नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो आपको बता रहा हूँ 12 लाख का रोड मैप, ये कम नहीं है, ये आप समझ लीजिए। YouTube पर बहुत कुछ होता है 1-2 करोड़, बट वो सिर्फ दिखाया ही जाता है कि आप थोड़ा सा देखें वीडियोस को, व्यूज़ आए, टीवी जैसे बात है, बट मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम है आपको गाइड करूँ ताकि आप उसको एटलीस्ट पहुँच पाएँ। यहाँ पर मैं चाहता 5 करोड़ बोलता, 1 करोड़ का एक वीडियो बनाया भी था, बट उसको सिर्फ सिर्फ 1000 में एक बच्चा कर पाएगा, और इसको 1000 में कम से कम 30 बच्चा कर सकता है, 3% बच्चे आराम से कर सकते हैं, 3-5% बच्चे बड़े प्यार से कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं। तो आप उस 3-5% बच्चों में आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे नहीं पता भाई, बट अगर आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं 12 लाख नहीं आया, 5 लाख आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। भाई अभी की सिचुएशन से आप बेटर आ जाएंगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना है बात को कि क्या आपने स्टडी किया तरीके से, खुद से पूछिए, बीटेक में पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, खुद से पूछिए,
हाँ ना में जवाब आपको मिल जाएगा। तो आप में से मेजोरिटी बच्चों का आंसर होगा करा था बट उतने नहीं करा, करा तो था उतने नहीं करा, मुझे पता है। जब ऐसा आंसर आए तो आप एक एग्जाम का प्रिपरेशन मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप बीटेक कंप्लीट कर चुके हो, क्या है गेट का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, करने के लिए क्या इससे हम सक्सेस पा नहीं सकते? फिर वो सक्सेस का जो परसेंटेज है 3-5 से घट के 0.5 हो जाएगा, बिकॉज आपको बता देता हूँ टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगा और टाइम जितना आप दोगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में आएगा, हो सकता है घर वाले पैसे भी ना दें आगे। घर वाले बोलेंगे भाई पैसे तुमने बर्बाद कर दिया, क्या करोगे फिर बताओ। फिर जो क्योंकि आपका अगर प्रिपरेशन आपका बढ़िया, आपने प्लस टू मतलब बीटेक में पढ़ाई नहीं करा तो गेट का सिर्फ नोट्स बनाने के लिए आपको 1 साल लगेगा, प्रिपरेशन करने के लिए आपको अनदर 1 ईयर लगेगा, 1 साल और लगेगा। अच्छे रिजल्ट का उम्मीद आफ्टर 1 ईयर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन इन द मार्केट। चांस कितने हैं? 1% भी चांस नहीं है बहुत अच्छा करने का गेट के थ्रू से, अगर आपने बीटेक में पढ़ाई नहीं किया है। बीटेक में पढ़ाई कर रहे हो या कर रहे हो, अच्छा परसेंटेज, नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट है, गेट का पेपर दिया था, जस्ट क्रैक हुआ, देन माई डियर यू शुड फोकस ऑन गेट एटलीस्ट फॉर 1 to 2 ईयर्स, बिकॉज एक ऐसा एग्जाम है जो आपका लाइफ चेंज कर देगा। और भाई गेट क्रैक करके खुश मत हो जाना, अभी रास्ता लाइफ जो है ना चलता रहता है। सरकारी नौकरी लेने के बाद भी आपको बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपका लाइफ आसान होगा, बिकॉज ये पैसा जो है ना, ये पैसा का नीड टाइम के साथ साथ चेंज होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। नहीं तो भैया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली जिनके फैमिली बैकअप बहुत स्ट्रांग नहीं है। और 95% बच्चों का फैमिली बैकअप बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, 5% बच्चों का होता है, और वो बच्चों 5% बच्चों में से मुझे लगता नहीं बहुत रेयरली कोई बच्चा होगा जो उसका फ़ायदा उठा पाता है। सब गलत फ़ायदा उठाते हैं, मतलब क्या है, सब अपना बेड़ागर कर देते हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं है, बाबूजी का है देख लेंगे। बाबूजी का पैसा कितने दिन टिकेगा भाई, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद कहाँ जाओगे? ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा था यार, 10-15 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता इतना पैसा उनके पास था, अभी तो लेकिन पूरा चक्का ही चेंज हो गया है, कहानी चेंज हो गया है। बिकॉज एक होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम, कंटिन्यूअस कैश फ्लो होता है, एक घड़ा है भाई उसमें पैसे भर के डाला है मैंने, वहीं से निकालता रहूंगा तो कितने दिन टिके, खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में, समझ पा रहे हो? तो गेट का प्रिपरेशन कब करना चाहिए आपको पता लग गया। तो मैंने क्या बोला यहां पर, आप हमेशा चूज करना रास्ता सोच समझ के पूछ के। तो आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, क्या आप एक कंसल्टेशन आपके लाइफ में सही डायरेक्शन और कम से कम 10-20% अच्छा बेटर आप कर सकते हैं किसी फील्ड में जाने के लिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल टेल यू कौन से फील्ड में कितना ग्रोथ है, क्या फ्यूचर हो सकता है, मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर। हर फील्ड का कुछ ही पूछो भाई, इंस्टेंट जवाब मिलेगा मेरे तरफ से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन करिए और मौज मारिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंडेड टू कंसल्ट समवन अबाउट योर फ्यूचर। बुखार आता डॉक्टर पास जाते हो ना, ये तो लाइफ का सवाल है, याद रखना इस बात को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गेट कंप्लीट करके एमटेक करना है या नहीं करना है इस बात पर डिपेंड करेगा, एमटेक कौन से कॉलेज में मिल रहा है, कौन से ब्रांच में मिल रहा है, और उस ब्रांच मतलब कौन से स्पेशलाइजेशन में मिल रहा है आपके ब्रांच का, और उसका प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, कितना एवरेज पैकेज है। तो एमटेक में ये आपका अच्छे अगर ब्रांच मिल रहा है तो ये आपका जो ड्रीम है 12 लाख का ये पूरा हो जाता है, बड़े प्यार से पूरा हो जाएगा। सारे ब्रांचेस का नहीं, ब्रांच वाइज है। सिविल में 12 लाख पैकेज बहुत मुश्किल होता है, किसी भी स्पेशलाइजेशन को ले लो, बड़े से बड़े कॉलेज में 8 लाख का, 9 लाख का, 10 लाख का पैकेज लगता है जो मैंने अब तक देखा है, ठीक है। ये एवरेज में, एक्सेप्शनल तो मतलब ज़्यादा कम तो होता है बट एवरेज की बात कर रहा हूँ आपको मैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गेट हो गया। अब बोलोगे सर दो चीज़ें हैं, सर पैसे ही नहीं है, नो मनी, पैसा है भी तो घर वाले दे नहीं रहे हैं, बोलते हैं तू पैसा उड़ाएगा। तो फिर से आपसे क्वेश्चन खुद से पूछना है, क्या सच में उड़ाओगे पैसा, या अभी थोड़ा सा आपको लाइफ के बारे में थोड़ा सा पता लग रहा है, जैसा होता है ऐसा नहीं है, कुछ अलग ही लाइफ चल रहा है मेरे दोस्त। देखो आप लाइफ को अच्छा बना सकते हो, काफ़ी अच्छा बना सकते हो, प्रॉब्लम तो आएंगे आप कुछ भी कर लो, बट प्रॉब्लम का सलूशन
एक चीज़ के वजह से बहुत आसान हो जाता है, मतलब सोल्यूशन ढूंढना, वो है पैसा। सो खूब पैसा कमाओ, और खूब पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, मेहनत करते रहना पड़ेगा। मेहनत को गले लगा लो, और मेहनत कहाँ करना है इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ एवरेज में जो बच्चे करना चाहिए। सो अगर मान लो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप एक नौकरी ले लो, जॉब ले लो, कितना ही मिल रहा है ले लीजिए। बट यहाँ पर एक कैच है, इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है, आप उसी फील्ड में नौकरी लीजिए जिस फील्ड से आप रिलेट कर पाते हैं, जिस फील्ड में अच्छा ग्रोथ है, रिलेट कर पाते हैं आपको ढूंढना है। और अच्छा ग्रोथ कैसे पता लगेगा, CAGR से। और CAGR उस फील्ड का सर्च करें गूगल पर, और उस फील्ड पर, फील्ड के बारे में इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है मार्केट में, बड़े बड़े कंपनीज कौन कौन से हैं, कितना सैलरी लोग ले रहे हैं, नेट पर सर्च करना है, उसके उस फील्ड को ज्वाइन करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम सैलरी मिले कोई बात नहीं, ज़्यादा सैलरी मिले तो चले ही जाओगे, ज़्यादा सैलरी मिलेगा तो वो अलग बात है, कम सैलरी मिले कोई बात नहीं, गो देयर एंड गेट सम एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक गलती मत करना अगर आप कम सैलरी में जॉब करने जा रहे हैं, वो क्या है, जो बहुत सारे बंदे कर रहे हैं, जो मेरे साथ भी काम करते कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा तो 15,000 सैलरी, हम क्यों काम करें, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर 15,000 सैलरी तभी है जब आप 15,000 के लायक हैं। याद रखना, इंसान उतने ही पैसे कमाता जितना उसका एबिलिटी है। 1 करोड़ का एबिलिटी बना लो, 1 करोड़ कमाओगे आप, वो कैसे, 1 करोड़ जो कमा रहा है उसको जो आता है वो आप सीख लो। आप बोलेंगे वो पहले चला गया, भाई आपके बाद भी लोग 1 करोड़ कमाएंगे, आपके पहले भी कमाए हैं अब भी कमा रहे हैं, मतलब क्या, आपको रास्ता पे चलना स्टार्ट करना है, और जो रास्ते पे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा उनको ग्रैब करना है। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले था अब नहीं मिलेगा भाई उस तरह का, तो अपॉर्चुनिटीज़ हर दिन है, आप कैसे उन पर अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानोगे और उसको कैसे ग्रैब करोगे आप पर है। ये कोई सिखाएगा बहुत मुश्किल है, खुद करना पड़ता है, ये रास्ता खुद चुनना पड़ता है। 10-20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रास्ता कोई बता देगा, जा भी सकते हो। 1 करोड़, 2 करोड़ रास्ता, 5 करोड़ रास्ता, बिकॉज जो बता रहे शायद वो भी नहीं कमा रहे। मैं अपना सीक्रेट्स बता देता हूँ, और मैं कोई 50 करोड़ नहीं कमाता हूँ भाई, आप मेरे कोई 5-10 करोड़ का बिजनेस पूछता है बता सकता हूँ, बड़े प्यार से बता सकता हूँ, बिकॉज ये सब बिजनेसेस मेरे काफ़ी साथी ने करा हुआ है और मेरे को पता है कैसे होता है, मैंने प्रोसेस कराया है, मैंने हेल्प किया है करने के लिए बहुत सारे को, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ आपके लिए। नाउ CAGR इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देन यू कैन ज्वाइन, पैसा नहीं है तो। और एक बात, पढ़ने का मन कर रहा है बट टेक्निकल फील्ड पसंद नहीं है, मतलब टेक मज़ा ही नहीं आया, 4 साल कैसे भी करके गुजार दिया और कुछ मज़ा सा नहीं आया जी, बताइए क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कहानी। तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ मैं, दैट इज़ व्हाट यू शुड नो, दैट इज़ माय डियर, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, वो है स्टडी हो गया, मनी हो गया, ये हो गया, वो हो गया कैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, कैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर पढ़ने का मन कर रहा है। अगर कोई बच्चा अगर टेक्निकल पसंद नहीं है, कैट से क्या होता है भाई, MBA होता है, इससे आपका 12 लाख का पैकेज का ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली तो नहीं होगा बट स्लोली स्लोली आपका ग्रोथ होगा अच्छे से, आप मेहनत करोगे, 4 से 5 साल लगता है अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो, 5 से 4 लाख, 5 लाख से 12 लाख पहुंचने में। बट एक कम ही बच्चे ऐसे डायरेक्शन में जा पाते हैं, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, खुद मेहनत तो करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चों को 4-5 लाख से 12 लाख पहुंचने के लिए उनको 10 साल लगता है, 8 से 10 साल लगता है मैक्सिमम लोगों को। ये यूट्यूब का फालतू मोटिवेशन के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है इसलिए बता रहा हूँ। मेरे साथी जो थे, कई हैं जो 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं बट इनका नंबर्स कम है, मैक्सिमम लोग अंडर 10 लाख कमा रहे हैं, उनके पास 8-10 साल एक्सपीरियंस है सबके पास, मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है यार, 12 साल से, हालांकि मेरा अलग काम है ना, तो काम किस फील्ड में कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसा आता है, ठीक है, ऐसे ही फील्ड है जानता हूँ जिनमें 1 दिन का 1 लाख कमा लोगे, समझ रहे हो, जब मार्केट अच्छा है तो। तो यहाँ पर क्या है, और कोई बड़ी बात नहीं कमाना, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं जानता हूँ कईयों को जो करोड़ों छाप रहे हैं। मेरे साथी ने कुछ टाइम पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 1 साल में लगभग 3-4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट लगभग लगा लो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का बैलेंस ही तो मेरे पास है नहीं, जो मैं आपको बता रहा था। एक बात नहीं सर, मेरे को पढ़ने का मन नहीं है,
मेरे को गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है और टेक्निकल पसंद नहीं है तो क्या करूँ, उसके लिए सबसे बढ़िया एग्ज़ाम है जो हर साल होता है SSC CGL का एक पेपर दीजिए, मतलब इसका प्रिपरेशन करिए। पेपर तो सारा ही देना है, स्टेट PSC का, RRB का, कुछ भी निकाल रहा है सारा पेपर का फॉर्म भर दो, बट फोकस एक पेपर पर करना है ताकि उस पर आप अच्छे से काम करिए। आप कोई सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करिए, कोई गवर्नमेंट का, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का, आप आगे पढ़ाई करने का, तीन स्टेप्स पर जरूर फोकस करना। पहला फंडामेंटल, दूसरा खुद से सवाल सॉल्व करना ताकि अप्रोचेस बने सवाल सॉल्व करने का, कितने करना है डेली 50 से 100 सवाल, जितना ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा चांस बन जाएगा एग्ज़ाम क्रैक करने का। फॉर्मूला वगैरह रट्टा मत मारिए, कोई फ़ायदा नहीं रट्टा मार के, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। रदर देन स्टार्ट सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू विल कम टू नो वेयर टू अप्लाई सच फॉर्मूला एंड बाय डूइंग कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट यू योर सबकॉन्शियस माइंड विल रिमेंबर सच फार्मूलाज क्वाइट इजिली व्हेन यू विल कम टू नो हाउ टू यूज दैट फार्मूला इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, राइट? दैट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। आफ्टर दैट राइट मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आफ्टर राइटिंग 30 मॉक टेस्ट, ईच मॉक टेस्ट यू विल राइट, यू विल गेट एट लीस्ट 50 पीपल विल लेफ्ट बिहाइंड, राइट? एट लीस्ट 50 पीपल विल गो बिहाइंड यू because you are doing some special thing and analysis plays a very important role. So you have to find out where you are lacking and you have to put effort based on that. Alright, so ये कहानी है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है कि भाई बीटे के बाद 12 लाख का पैकेज कैसे ले सकते हैं आप, एंड प्रोसेस मैंने आपको बताया, इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए एंड जानिए आपके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है एंड उसी को चूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।